वाशी विभागात बेकायदा वाहन पार्किंगची समस्या कायम आहे. ठिकठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहने मनमार्जीने उभी केली जात असून त्यावर कोणाचे नियंत्रण दिसून येत नाहीत. वाशी सेक्टर 2 सेक्टर 17 या भागात अवैध वाहन पार्किंगच्या समस्येने स्थानिक नागरिक हैराण आहेत. फुटपाथ लागत वाहने नेहमी उभी असतात, त्यातून मार्ग काढणे कठीण जात असल्याचा रोष नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. या अवैध पार्किंगकडे वाहतूक विभागाचेही दुर्लक्ष होत असून महापालिकेच्या वाहनतळाच्या सुविधेचं तसेच पार्किंग शुल्क आकारण्याचे धोरण कठोरतेने अंमलात आणण्याची गरज आहे. दरम्यान पार्किंगच्या समस्येला घेऊन सामान्य नागरिकांनी प्रशासना विरोधातील नाराजी व्यक्त केली. पार्किंग के लिए बराबर लोग पार्किंग नहीं कर रहे, उसके ऊपर प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस लोग कुछ देखते भी नहीं है. ये जो पार्किंग कर रहे हैं कैसे ही कर रहे हैं, और फुटपाथ छोड़ के भी कर रहे हैं. फुटपाथ के रोड पे दो लाइन के अंदर बीच के अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता है. इनका इतना समस्या है कि बोलेगा तो उनको गुस्सा बहुत आता है. और जो कार चले जाता है वो पार्किंग करके बीच में ही पार्किंग करके चले जाता है. और समस्या क्या होता है, पीछे वाले ट्रैफिक जो आएगा वो भी जाम हो जाता है, और आदमी चलने के आने जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है. ये तो अंदर है लेकिन पार्किंग करते हैं सही ढंग से नहीं करते हैं. पार्किंग यहाँ पर डबल डबल पार्किंग करते हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है. हम लोग यहाँ काम करते हैं तो फिर बॉक्स के सामने ही पार्किंग गाड़ियाँ लगा देते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है. तो पार्किंग का किया है ना, BMC ने पार्किंग वहाँ किया है, वहाँ पर जाना चाहिए सबको पार्किंग के लिए. वहाँ जाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती पार्किंग लगा देते हैं यहाँ पर. है कि हम लोग इधर काम करने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है. हर एक टाइम किसको को बोलेगा तो उन लोग हम लोग को उल्टा जवाब देते हैं, तो हम लोग को परेशान है. इसके लिए जो आप लोगों ने थोड़ा कुछ इंटरेस्ट लेगा इसमें तो अच्छी बात है. हम लोग को आगे तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही हमारा काम है. और हम लोग का जो काम भी है कौन सा, ये तो गवर्नमेंट का है. अब हम लोग को वैसा है तो हम लोग इधर जो काम करेंगे हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम फोन बहुत परेशान है. आयुक्त ने कमिश्नर ने जो ये डिसीजन लिया है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर लोग है, यहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस आती है जो लगाने के लिए जगह ही नहीं है. दूसरी बात क्या मालूम है, क्या 2 मिनट के काम के लिए कॉर्पोरेट एरिया है, पूरा बैंक है, ऑफिस है, 2 मिनट के एरिया के लिए या कोई शॉप के लिए जाने के लिए यहाँ पे थोड़ी 100 रुपये पार्किंग में देगा, इम्पॉसिबल है ये. और ऐसे तुम लोग डिफरेंट टाइप के डिसीजन लो कि इससे लोगों का भला नहीं होने वाला. 10 रुपये 20 रुपये तक ठीक है, लेकिन 100 रुपये पार्किंग ले रहे तो ज़्यादा ही है ना. नवी मुंबई में पार्किंग की समस्या एक अहम समस्या बनती नज़र आ रही है. आप देख सकते हैं सेक्टर 17 सेक्टर 2 में किस तरह से पार्किंग की समस्या सामने नज़र आ रही है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही मायने में अगर एम्बुलेंस या फिर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपस में घूम नहीं सकती है, इससे यहाँ पे ये खुलासा होता है कि प्रशासन इस पर नज़रअंदाज कर रही है. इस पार्किंग की समस्या को लेकर आप देख सकते हैं लोगों को जागरूकता का भी होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे इस तरह की पार्किंग है, आप इस पार्किंग को इस तरह का अगर देखते हैं तो क्या समस्याएं सामने हो सकती हैं ये खुद आपको. लेकिन वही जगह सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन इस पर नज़रअंदाज क्यों कर रही है, इस पार्किंग को लेकर लोग गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहे हैं. ब्यूरो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़, वाशी सेक्टर 17.